नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है। बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उनका इलाज के दौरान दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में देर रात निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दी। बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी कि बोचहा के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया और उन्होंने इस बात को लेकर शोक भी जताया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के बोचहा से विधायक मुसाफिर पासवान की इलाज के दौरान बुधवार देर रात दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। विधायक की मौत की पुष्टि उनकी पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने की है, साथ ही उनकी मौत को लेकर बिहार के लिए बड़ी क्षति भी बताया है। सहनी ने मौत की जानकारी देते हुए कहा है कि बोचहा विधानसभा से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। मुसाफिर जी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, उनका इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा था। हम सभी ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया। मुसाफिर के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। उनके निधन से पूरे बिहार राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि इससे पहले मुसाफिर पासवान की मौत की खबर 20 सितंबर को भी उड़ी थी। अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन इस बार मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर मौत की पुष्टि की है। सितंबर में अफवाह के बाद खंडन भी किया गया था। इसके साथ साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी मुसाफिर पासवान की मृत्यु पर शोक जताया है और मंत्री संतोष मांझी ने भी उनकी मृत्यु पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने भी शोक जताते हुए कहा है कि मुसाफिर बाबू की कमी हमेशा हमें खलती ही रहेगी, ऐसा जीतन राम मांझी ने भी कहा है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा से विधायक मुसाफिर पासवान का अचानक से निधन हो गया। बता दें कि वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और इस बीमारी के कारण उनका इलाज दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल गंगाराम अस्पताल में चल रहा था, जहां पर देर रात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस खबर के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। बिहार की राजनीति में सभी ने इस खबर पर काफी शोक जताया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही साथ वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इस बात की खुद जानकारी दी है कि मुसाफिर पासवान का निधन हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर्मेशन में। नमस्कार।